टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला कक्षात मातौल में माँ वैष्णो देवी स्व सहायता समूह के द्वारा छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद विराट 24 न्यूज ने खबर को जन मुद्दा के माध्यम से उठाया था। खबर देखने के बाद अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया। अधिकारियों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह लोधी ने प्राथमिक शाला कक्षात मातौल का अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समूह संचालक नदारद थे और मध्याह्न भोजन स्कूल में पदस्थ शिक्षक एवं CSC के द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष उमिता सिंह लोधी ने तुरंत ही जनपद CEO को फोन लगाया और समूह को हटाने के निर्देश दिए। तुरंत ही BRC द्वारा RL पराशर के द्वारा पंचनामा तैयार कर समूह को हटा दिया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों के साथ समूह संचालक खिलवाड़ ना करें, मैं ऐसा नहीं देख सकती। उन्होंने कहा कि समूह संचालक सतर्क हो जाएं और छोटे छोटे नौनिहालों को स्कूलों में अच्छा खाना मिले, जिससे छात्र छात्रा स्कूल के बाहर खाना खाने के लिए ना जाए। इस दौरान उन्होंने माध्यमिक शाला का निरीक्षण किया और वहां पर भी मध्याह्न भोजन में अनियमितताएं पाई गई, जहां पर उन्होंने कहा अगर समूह संचालक सही से मध्याह्न भोजन नहीं बैठाते हैं तो हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तुरंत ही उन्हें नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सरकनपुर, भेलसी, मातौल स्कूलों का निरीक्षण किया। उनके साथ अधिकारी भी उपस्थित रहे और स्कूलों का जायजा लिया। जो भी कमी उन्हें स्कूलों में मिली उसे पूरा करने के निर्देश दिए। कक्षात खेरा में जो सूचना हमें न्यूज़ के माध्यम से मिली थी उस पर वहाँ पे हम गए हैं, लेकिन जो चीज़ हमने न्यूज़ में देखा था वही हमने पाया। उस पर अधिकारियों ने उनको नोटिस देके उनको हटाने का आदेश कर रहे हैं ना आप लोग का, है ना, मिडिल स्कूल। हाँ, यहाँ पे भी बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई हैं उस पर, खाने की गुणवत्ता को लेके सब पे, तो उस पर कार्रवाई उनके ऊपर भी की जाएगी। नोटिस देने का आदेश दे दिया गया है, वो नोटिस देंगे। जो भी उनका जवाब होगा, जवाब अगर उनका संतोषजनक होगा और उसमें सुधार करेंगे तब तो ठीक है, अगर नहीं करते तो उनको भी हटाने का हमारी तरफ से कार्रवाई की जाएगी।